बसा के मेरी धड़कन तुम हो, तुमको शाम सहर। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा है हमारे प्रिय मित्र, इस टाइप की जो वीडियो है बहुत ही इजी तरीके से आप क्रिएट कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे मिरर फ्लैश इफेक्ट एंड यहाँ पे जो भी इफेक्ट और अप्लाई किए हैं, जो भी मैंने यहाँ पे वाइट स्क्रीन, जो भी इंक स्क्रीन, जो भी मैंने यहाँ पे यूज किया है और हर्ट वाला जो भी वीडियो मैंने यहाँ पे यूज किया, इस वीडियो को आपको कैसे क्रिएट करना है तो इसी वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। तो वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है, करना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रेंडिंग वीडियो आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी जाके आपको इस चैनल पे आपको पर डे की बेस पे मिलता रहता है। तो प्लीज़ इतना तो करना बनता है, और ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्टेप की ओर। सो गाइस, मैं अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो करना क्या है, प्लस के आइकन पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेशियो, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड। तो जो बैक यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसे आपको यहाँ पर ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो करना क्या है, फर्स्ट में आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। जो भी आपको यहाँ पर जो साउंड आपको अच्छा लग रहा है उस साउंड को यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का, मैंने यहाँ पे वीडियो को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका जो साउंड है, साउंड हमें बचाइए, तो साउंड को जो बाहर निकालने का है तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। तो करने के सिंपल से इस टाइप का हमारा जो यहाँ पे साउंड है, तो उसके बाद में यहाँ पे इस वीडियो पे आपको टाइप करना है। टॉप कॉर्नर पे आपको थ्री डॉट मिलेगा, क्लिक करना है। एंड नीचे आपको मिल जाता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ऑडियो जो है बाहर आ जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको बीट को ऐड कर लेना है, जहाँ पे हर्ट वाली इमेज आ रही है। तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से आपको ये जो वीडियो है इसे आपको यहाँ पे टाइप करना है, डिलीट कर देना है। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक जो पीएनजी में आपको दूंगा उसे आपको यहाँ पे ऐड करना है हेड वाले। तो सिंपल से आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे ये वाली जो पीएनजी है मैं इसे यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सिंपल से मैं इस प्रकार से ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बीट के अकॉर्डिंग इसे आपको यहाँ पर इतना ही रखना है। एंड उसके बाद में इसे आपको फर्स्ट में जूम आउट पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की अप्लाई कर देना है। एंड यहाँ पे आपको आ जाना है कुछ यहाँ पे लास्ट तक। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक की फिर से अप्लाई कर देना है। देन उसके बाद में इसे आपके शुरू में आना है और कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा कर देना है, छोटा करना है। एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे आना है, इसे आपको यहाँ पे बीचों बीच में रख देना है। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे बीचों बीच में रख दिया। एंड उसके बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पर छोटा और कर देना है। एंड ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगा, इस पर आपको एक ग्लिच इफेक्ट या फिर आपको एक ब्लैक डिसेबल करके आपको इफेक्ट मिलेगा, उससे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल से मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो इधर से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे टाइप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है BL, आप इतना ही नहीं तो फर्स्ट में आपको मिल जाएगा नीचे आपको ब्लैक डिसेबल। तो यहाँ पे आपको इसे इस प्रकार से क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टाइप करना है। देन उसके बाद में इस पर जो स्ट्रेंथ है कुछ इस टाइप से आपको इसे बढ़ा देना है, इतना आपको यहाँ पर कर देना है। इसे आपको टाइमलाइन भी देख लेनी है। एंड उसके बाद में साइज को यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एंड उसके बाद में सीट पे आना है। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की सॉरी इसे फर्स्ट में आपको ले आना है की को, अगर बीच में लग गई है, और लास्ट में आपको यहाँ पर आ जाना है, एक की फिर से अप्लाई करना है। देन उसके बाद में सीट को थोड़ा सा आपको इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे इफेक्ट लग के आ जाता है सिंपल से। तो करना क्या है, इधर से आपको बैक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है यहाँ पे आपको DI, आपको यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्शनल ब्लर। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टाइप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको इस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है, इतने पे आना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की अप्लाई कर देना है इस टाइप से। उसके बाद में यहाँ पे आ जाना है। एंड इससे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देना है। एंड ये जो बीच में आपने की लगाई थी इस पर आपको आ जाना है फर्स्ट वाली की पर, इसे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देना है। एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको
स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इतना बढ़ाने के बाद एंगल को चेंज करना चाहते हैं एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर लेगा एंड उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। तो करने का है सिंपल से आपको यहाँ पर आ जाना है एंड इधर से बैक कर देना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी इमेज अच्छी लग रही हो उस इमेज को यहाँ पे आपको ऐड कर देना। सिंपल से मैं यहाँ पे एस वाली इमेज को ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद आपके जहाँ तक ये साउंड है साउंड के अकॉर्डिंग आपको जाना है फुल वुड में अपनी जो इमेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इस इमेज पे क्लिक करना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से, इसे आपको जूम आउट पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज यहाँ पे आपको कर देना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे रख देना है एंड इस से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल को ऐड करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है और इधर से आपको बैक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, इस वाले रेक्टेंगल पे टाइप करना है, देन उसके बाद इसका जो कलर है कलर को आपको यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करना है, इधर से बैक करना है। बैक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे टाइप करना है, देन उसके बाद फुल वुड में इसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कोई इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है, जैसे आप यहाँ पे सी ओ डालते हैं तो यहाँ पे आपको कॉपी बैकग्राउंड नीचे आपको मिल जाता है, क्लिक करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे टाइप करना है, देन उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है, इधर से आपको बैक कर देना है और यहाँ पे आपको इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी पे क्लिक करना है, नीचे आपको मिल जाएगा डिफरेंट, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट पे टाइप कर देना है एंड इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। इसे मुझे पहले करना था कॉपी बैकग्राउंड को ऐड करने से पहले, तो मैं बाद में भी इसे ऐड करके दिखा दूँ। एंड उसके बाद में इस रेक्टेंगल पे आपको टाइप करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे फिर से टाइप करना है, देन इसके बाद में यहाँ पे आपको जी ए यू सर्च कर लेना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट में गजियन ब्लर देखने को मिल जाएगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टाइप करना है, देन उसके बाद में इसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे इंक्रीज होगा। इधर से आपको बैक करना है, बैक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है ई एक्स, आप इतना लिखेंगे तो फर्स्ट में आपको एक्सपोजन गामा देखने को मिल जाएगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टाइप करना है, देन उसके बाद इसे आपको यहाँ पे ओपन कर देना है। कुछ इस टाइप से आपको एक्सपोजर को इस प्रकार से कम कर देना है एंड उसके बाद में गामा को यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार से अच्छे से सेट कर देना है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको फिर से एक रेक्टेंगल को ऐड करना है। तो सिंपल से मैं यहाँ पे इस तरह रेक्टेंगल को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से दो फिंगर की मदद से इसे आपको यहाँ पर इंक्रीज कर देना है। एंड इसे आपको यहाँ फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है कलर को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सिंपल से मैं यहाँ पे इसे व्हाइट कर देना हूँ। व्हाइट करने के बाद इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लैक डिसेबल। तो यहाँ पे ब्लैक लिखेंगे तो फर्स्ट में या सेकंड में थर्ड में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा ब्लैक डिसेबल। तो क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टाइप करना है, देन उसके बाद में इसकी जो स्ट्रेंथ है इसे आपको यहाँ पर कम कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कम कर देना है एंड साइज को यहाँ पे आपको इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है एंड नीचे आपको मिल जाएगा स्टिच। तो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से नीचे वाले पे आना है एंड इससे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंक्रीज हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है सीट पर, तो इसे आपको यहाँ पे आखिरी में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको सीट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की अप्लाई करना है, लास्ट में आपको जाना है लास्ट में एक की फिर से अप्लाई करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे जितनी आपको स्पीड देनी है उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। तो हमारा जो कुछ इस टाइप से यहाँ पे इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद में करना क्या है, सिंपल से आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है जी ए यू। आप इतने लेंगे फर्स्ट में आपको गजियन ब्लर देखने को मिल जाएगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टाइप कर देना है। टाइप करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देख लेना कि हमारे जो ब्लर अच्छे से ऐड होने वाला है या नहीं। तो कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ एंड उसके बाद में इसे ओपन करता हूँ और कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद और बैक करना है, यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी, तो यहाँ पे आपको लाइटिंग पे क्लिक करना है, कलर डॉट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा इफेक्ट लग गया है। तो करने का है सिंपल से एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दे रहा हूँ और दिखा दे रहा हूँ और आगे का जो भी इफेक्ट है उसे मैं ऐड करने के बाद आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी बताऊँगा।
तो यहाँ पे अभी अच्छे से हमारा जो इफेक्ट है वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो करना क्या है, सिंपल से आपको इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ब्लैक डिस्कल पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको साइज को इंक्रीज कर देना है। जो ब्लर है गजन ब्लर, इससे आपको यहाँ पे फुल पे कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको अच्छे से सेट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको साइज को, स्ट्रेंथ को एंड स्ट्रेच को यहाँ पे आपको कुछ इसी टाइप से रखना है एंड हमारा जो इफेक्ट है यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे है। तो करने का अगर इस पर आपको लाइटिंग को बढ़ाना है तो सिंपल से आपको इधर से बैक करना है, एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है EX। आप इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक्सपोजन गामा मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टाइप करना है, देन उसके बाद में इस प्रकार से आना है एंड इससे आपको यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है। इस प्रकार से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारा जो इफेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से ग्लो करने लग जाएगा एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है और अपनी वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग गया है, उसके बाद में इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कलर को भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने का प्रोसेस बता दिया एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है एंड इस इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है TU। आप लिखेंगे तो फर्स्ट में आपको कुछ या सेकंड में आपको ये वाला जो ये टर्बुलेंट डिस्प्ले यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट में फोटो के फर्स्ट में आपको यहाँ पर आ जाना है, इस पर की ऐड करना है, लास्ट में आपको चले जाना है, इस पर आपको एक की अप्लाई करना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफसेट को कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इसे जीरो भी कर देना है। तो मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया एंड स्ट्रेंथ को यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है। तो थोड़ा सा आप इंक्रीज करेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे मूव करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑफसेट को थोड़ा सा आपको इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है। तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है। उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है XY, तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ये बहुत ही स्मूथ तरीके से मूव करने लग जाएगा। तो करना क्या है, सिंपल से ये जो हमारा इफेक्ट है यहाँ पे लग के रेडी हो गया है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको एक वीडियो को ऐड करना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर इतने पे रख देना है एंड उसके बाद में बैक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको वो वाली जो वीडियो है उससे आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैं उस वीडियो को यहाँ पे ऐड करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो को ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद देन यहाँ पे आपको शुरू में आ जाना है यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसे स्पीड को यहाँ पे आपको थोड़ी सी वीडियो की लेंथ को कम कर देना है, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर कर देना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करना है, लाइटिंग पे क्लिक करना है, इसे आपको यहाँ पे स्क्रीन या फिर लाइटिंग आपको कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पे आप लाइटिंग पे क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पर बैक कर देना है। इस प्रकार से अपनी वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेना है कि हमारा जो वीडियो है किस प्रकार से यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। दिल में बसा के मेरी धड़कन तुम। तो करना क्या है, सिंपल से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद टॉप कॉर्नर पे आपको एरो का ऑप्शन मिला हुआ, क्लिक करना है, देन उसके बाद में नीचे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिला हुआ, क्लिक करना है, देन उसके बाद में हमारा जो वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, अगर इसी टाइप का आपको वीडियो पर डे की वजह से मिलना चाहिए या फिर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, एक तरह सब कमेंट भी कर देना। और इसका जो मटेरियल मिलने वाला है वो हमारे टेलीग्राम पर आपको इजीली मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।